तो ये जो इंक्लाइन सरफेस का क्वेश्चन है इसकी अप्रोच देखते हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस पे एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एक आध बार नहीं मतलब काफी बार आया, पर वो मेथड सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता उसके मेथड में, मगर कर्व्ड सरफेसेस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम ये इंक्लाइन सरफेस को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए ले लेंगे, फिर एक गेट का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके देख लेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रेशर प्रिज्म का, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रेशर प्रिज्म होता क्या है, सो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे। अब तक आप प्लेनर सरफेसेस की बात कर रहे थे, अब हम कर्व्ड सरफेसेस की बात करेंगे। सो जिस हिसाब से अभी टाइम हुआ है, मुझे लग रहा है आज हम ब्यूएंसी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट इनको तो कवर अप कर ही लेंगे, ठीक है। सो ब्यूएंसी नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। चलिए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं एज यूजुअल पहले फिगर बना लेता हूँ और बाद में हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। सो मेरे ख्याल से फिगर में मुझे कुछ इस तरीके की वॉल दिखाई दी है, दे रही है। इस वॉल में एक हिंज है और उस हिंज जॉइंट पे किसी तरह का गेट है, ठीक है। हिंज जॉइंट का मतलब ध्यान रखना है, हिंज जॉइंट का मतलब है एक ऐसा जॉइंट जो कि आपके गेट पे रिएक्शन फोर्सेस लगाएगा, किसी तरह का रिएक्शन मोमेंट नहीं लगाएगा। सो ये आपका गेट है जो कि सॉलिड सरफेस पे बॉटम पे टिका हुआ है, और इस पूरे सिस्टम के लेफ्ट साइड में एक फ्लूइड है, फ्लूइड वाटर है, ठीक है, और वाटर की हाइट दे रखी है फ्रॉम द हिंज जॉइंट, वाटर के टॉप सरफेस की हाइट दे रखी है फ्रॉम द हिंज जॉइंट, दैट इज 5 meters। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द गेट, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। तो दोबारा से एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द 200 kg, सो 200 kg का क्या कहते हैं आपका गेट है। 5 meter wide rectangular gate shown in the figure. So, इसकी width जो है वो 5 meters है. 5 meters इसकी width है. Is hinged at B. So, B point पे hinge है. मैं B point लिख देता हूँ. And leans against the horizontal surface at A. So, ये वाला जो point है, ये A है. Making an angle of 45 degree with the horizontal. Okay? The gate is to be opened from its lower edge by applying a normal force at its center. Okay? So, वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो गेट है उसके सेंटर पे एक नॉर्मल फोर्स लगा के इस गेट को ओपन करने की कोशिश करनी है। Determine the minimum force F required to open the water gate. So, minimum force find out कीजिए ताकि हम इस गेट को ओपन कर सकें, ठीक है। सो आइए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। सो मेरे ख्याल से गेट का जो ऊपर का सरफेस है वो एक इंक्लाइंड सरफेस है और उस पे कुछ प्रेशर फोर्स लग रही होगी। सो अगर मैं गेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो गेट पे पहले तो एक प्रेशर फोर्स लगेगी FP, सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसके सेंटर पे यानी कि सेंट्रॉइड पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो इसको ओपन करने की कोशिश करेगी। सो बेसिकली F का जो मोमेंट है वो FP के मोमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए गेट की सारी फोर्सेस लिखते हैं। सो गेट पे एक तो वेट भी लगेगा खुद का, नीचे की तरफ वेट दिया हुआ है गेट का, 200 किलो इसका मास है, तो आप इसका वेट लिख सकते हैं डायरेक्टली 200 g। दूसरा गेट जो है वो ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो ग्राउंड क्या करेगा यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा। और तीसरा गेट जो है हिंज्ड है, तो हिंज जॉइंट क्या करेंगे वो अपनी रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी आप कॉम्पोनेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम फोर्स F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि गेट खुल जाए। अब गेट को ओपन करने का यहाँ एक ही तरीका है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो वो घूम ही नहीं सकता, मगर जैसे ही गेट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ग्राउंड पे जो कॉन्टैक्ट है वो लूज हो जाएगा, यानी कि आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो है जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, इसी कंडीशन को, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ फोर्सेस की वैल्यू चाहिए, जैसे FP और FQ, है ना। हम सॉल्व कैसे करेंगे, हिंज के अबाउट मोमेंट लिखेंगे। तो जब आप हिंज के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, FX का मोमेंट जीरो हो जाएगा, FY का मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे एक वेट भी है, वेट एक एडिशनल फोर्स है, और देखिए जरा वेट का लाइन ऑफ एक्शन देखिए। सो वेट के लाइन ऑफ एक्शन और हिंज जॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस है, तो वेट का भी मोमेंट आएगा। पिछले क्वेश्चंस में आपका गेट जो था वो वर्टिकल था, इसलिए गेट के वेट का मोमेंट जीरो था। यहाँ पे गेट इंक्लाइंड है,
तो इंक्लिनेशन होने के कारण वेट जो है और हिंज जॉइंट जो है उनके बीच में एक डिस्टेंस है, तो वेट का मूवमेंट आएगा। तो मैं पहले एफ पी की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए एफ पी के लिए क्या करते हैं, एफ पी के लिए हम लिखते हैं रो जी ए एच सी। रो क्या है, पानी की डेंसिटी, सो 1000। और ये देखिए जरा यहाँ जी लिख रहे हैं, जरा एक चीज नोट कीजिए, डब्ल्यू में भी जी लिख रहा हूँ तो यहाँ भी जी एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, सो 1000 जी। अब एरिया भी चाहिए होगा। अब जरा देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाली जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, उस हिसाब से अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो मेरे ख्याल से ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 3√2 बन जाएगा, यानी कि गेट की जो इंक्लाइंड लेंथ है वो 3√2 है। सो एरिया क्या बनेगा, 3√2 इनटू विड्थ, है ना, और विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर, सो एरिया बन जाएगा 3√2 इनटू 5 मीटर। सो ये आपके पास आ गया एरिया 3√2 इनटू 5। अब जरा देखिए मजेदार बात देखिए, मेरे ख्याल से जो सेंट्रॉइड आएगा वो तो सेंटर में आएगा ना ऐसे, है ना, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। सो सेंट्रॉइड की डेप्थ ऐसे लिखी जाएगी। अब जरा देखिए ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये तो 3 मीटर का हाफ होगा ना, तो इसका मतलब जो सेंट्रॉइड की डेप्थ आएगी पानी के टॉप सरफेस से वो बनेगी 1.5 + 5, राइट। सेंट्रॉइड जो है वो लेंथ के हाफ पे लाई करेगा, मगर क्योंकि सेंट्रॉइड लेंथ के हाफ पे लाई कर रहा है तो वो वर्टिकल डिस्टेंस का भी तो हाफ होगा ना, 3 मीटर का भी हाफ होगा 1.5 मीटर। सो एलसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 1.5। ओ हमने एक क्वेश्चन में गलती कर दी है, मैंने ये 5 मीटर नहीं, ये 0.5 मीटर है ना, सॉरी 0.5 मीटर है, तो 0.5 + 1.5 दैट इज 2 मीटर्स। सो मैं ये मुझे 2 मीटर एफ पी की वैल्यू मिल गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये क्या बनेगा, 2 × 5 = 10, सो 10 × 1000 10, है ना, सो 10 × 1000 10000, बड़ा लंबा बन जाएगा तो मैं किलो न्यूटन में लिख लेता हूँ। सो जब मैं इसको किलो न्यूटन में लिखूंगा, सो किलो न्यूटन के केस में ये बन जाएगा 210 g 30√2 g, सो ये बन जाएगा 30√2 g किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में लिख दिया जी, ठीक है। 3 × 5 × 2 = 30, 30√2 g, 1000 1000 से डिवाइड हो गया तो किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। और उस केस में वेट को भी किलो न्यूटन लिखना पड़ेगा, सो 0.2 g किलो न्यूटन बन गया ये। ओके, सो एफपी की वैल्यू तो पता लग चुकी है, अब एफपी की वैल्यू मैं वहां पे लिख देता हूं 30√2 g किलो न्यूटन, 30√2 g किलो न्यूटन। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रेशर फोर्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर फोर्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्रेशर फोर्स का मोमेंट लिखना है तो आपको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये तो एक और से आप आए, इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं, पहले प्रेशर फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर का एचपी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे एचपी से क्या होगा, दरअसल अगर मुझे पूरा एचपी मिल गया, एचपी में से मैं 0.5 मीटर घटा दूंगा तो मुझे इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और फिर मैं उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालूंगा तो मुझे प्रेशर फोर्स का डिस्टेंस मिल जाएगा हिंज जॉइंट से, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए एचपी की वैल्यू लिखते हैं। सो अगेन जब हम एचपी की बात करते हैं, सो एचपी की वैल्यू होती है एचसी प्लस आईजी साइन स्क्वायर थीटा बाय एएचसी। सो एचसी की वैल्यू आपने लिखी थी, आपने बोला था एचसी की वैल्यू जो होती है वो 2 मीटर होती है, आईजी की वैल्यू जो है वो बीडी क्यूब बाय 12 है, यहां पे बी जो है दैट इज 5 मीटर और डी जो है वो 3√2 है, सो 5 × 3√2³/12। ओके, डिवाइडेड बाय एएचसी, एरिया कितना आएगा 5 और वो कितना आएगा 3√2, 5 × 3√2 × एचसी जो कि फिर से 2 है, ठीक है। अब जरा देखिए ए 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 3√2 से 1
3 root 2 cancel out ho jayega. Aur phir ye 2 or 12 6 ban jayega. So banega 2 plus 3 ka square 9 hota hai, root 2 ka square 2 hota hai, divided by 6. Okay? 9 into 2 is 18. And what you will get? 18 by 6. Guys, कहीं तो कोई mistake हुआ है मेरे से, थोड़ा सा कोई mistake हुआ है, क्योंकि HP की value जो है, वो correct नहीं आ रही है. So 9 into 2 is 18, 18 by 6 is 3, 3 plus 2, that is 5 meters. HP की value 5 meters आ रही है, जबकि ये तो possible नहीं है. कैसे possible नहीं है? क्योंकि ये total height ही 3.5 meters है. So, कहीं ना कहीं तो कोई mistake है. तो हम HC का formula जो है, HC की value जो है, दुबारा से लिख के देखते हैं. Oh, yes. मुझे गलती पता लग गई, guys. ये देखिए, sin square theta भी है. So, 1 by root 2 का square भी आएगा. That is 1 by 2. So, यहाँ पे एक 1 by 2 भी आएगा. है ना? So, 2 से 2 cancel out हो गया. और फिर 9 by 6. That is 3 by 2. और 1.5. So, आपके पास आ गया 3.5 meters. तो आपने HP की वैल्यू निकाल दिया 3.5 मीटर्स. ओके, सो हमने HP की वैल्यू निकाल ली. आप जरा ध्यान दीजिए, हम HP की वैल्यू से प्रेशर फोर्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. तो ये टोटल जो है HP, दैट इज 3.5 मीटर्स. और ये फिगर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, बड़ा हॉजपॉज हो गया है. ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास इस तरह से गेट है, गेट है, ये इसका हिंज जॉइंट है, और ये इसका सेंटर ऑफ प्रेशर है. सो सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ निकाल लिए 3.5 मीटर्स. ठीक है, अब जरा देखिए, ये 3.5 में से 0.5 गया, वो कितना होगा? 3 मीटर्स होगा. स्टिल अगेन सम मिस्टेक इज देयर, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि HP की वैल्यू 3.5 मीटर्स आ रही है, जो कि हो नहीं सकती. खुद ही देख लेते हैं, 3 मीटर एंड 0.5 मीटर. चलिए एक बार दोबारा से सॉल्व करके देख लेते हैं. ओके गाइस, एक बार दोबारा से सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि HP की वैल्यू में कहीं कोई मिस्टेक आ रही है. HC plus IG sin square theta. Sin square theta, sin 45 जो है वो 1 by root 2 होता है, तो square जो है 1 by 2 बन जाएगा. ये बात तो करेक्ट है. और AHC की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, HC की वैल्यू लिखता हूँ मैं फटाफट. So 1.5 plus 0.5, that should be 2 only. IG की वैल्यू हम लिखते हैं BD cube by 12. So यहाँ पे B कितना है मेरे पास? 5 है. D कितना है मेरे पास? 3 root 2 है ना. So BD cube by 12, 5 into 3 root 2 का cube by 12 into sin square theta, that is 1 by 2 divided by AHC. So, जब हम AHC से divide करेंगे, so 1 by 5 into 3 root 2 into 2 आएगा. Okay, let us see. मैंने 2 से 2 cancel कर दिया था, तभी मैंने गलती की है. 2 से 2 cancel कर दिया था, mistake हो गया, एक अच्छा खासा mistake हो गया, time waste हो गया. So, 3 root 2, guys देखिए, 3 root 2 का क्यूब यहाँ पे आएगा स्क्वायर. 3 root 2 का स्क्वायर जो होता है 9 into 2 यानी 18 होता है. 18 by 12 यानी कि 3 by 2. 2 into 2 4, 4 into 2 8. So 3 by 8. So 2 plus 3 divided by 8 यानी कि 2.375. So HP की जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो 2.375 आ रही है. आप लोग भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, पहले ही इस कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम कर लिया हमने. Okay, so this is the value of HP. HP की वैल्यू आ गई है. अब एक बार हमें HP की वैल्यू आ गई, तो ये टोटल है 2.375. And this depth is 0.5. इंच का जो डेप्थ है वो 0.5 हो जाएगा. इसका मतलब ये प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर वाला जो प्लेन है, सेंटर ऑफ प्रेशर वाला जो प्लेन है, इसकी हिंज से जो वर्टिकल डेप्थ होगी वो कितनी बनेगी? 2.375 माइनस 0.5 यानी कि 1.875. ठीक है, अब जरा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री का एंगल है. सो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? 1.875 रूट 2 मीटर बन जाएगा. ठीक है ना. सो आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया
प्रेशर फोर्स का डिस्टेंस निकाल लिया हिंज ज्वाइंट से, ठीक है। अब एक्चुअली हमारी मेन कैलकुलेशन हो चुकी है, अब आराम से काम हो जाएगा। अब फटाफट जो है मैं सारे मोमेंट्स को बैलेंस करना शुरू कर देता हूँ और मैं एक बार जरा फिगर अच्छे से बना लेता हूँ। मैंने फिगर इस बार हॉच पॉच बनाया है तो और कंफ्यूजन हो गई थी हमें। सो मेरे पास क्या है गाइस, ये देखिए आपके पास ये इस तरीके से गेट था, गेट के एक पॉइंट पी पे प्रेशर फोर्स लग रहा था जिसकी वैल्यू है 30√2g kN और यहाँ सेंट्रॉइड पे एक वेट लग रहा है और सेंट्रॉइड पे ही हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया जो नॉर्मल रिएक्शन है एट द ग्राउंड वो जीरो हो चुका था और FX FY ये कौन सी फोर्सेस है जो हिंज लगा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हिंज के अबाउट मोमेंट लेना शुरू करते हैं तो सारी फोर्सेस के डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। अब देखिए FX तो हिंज से पास कर रहा है तो FX का मोमेंट हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस जीरो, सो FX का मोमेंट हो गया जीरो। FY का मोमेंट हो गया जीरो क्योंकि फोर्स डिस्टेंस से हिंज से पास कर रही है। अब जरा देखिए ये जो कैपिटल F है ये तो सेंट्रॉइड पे लग रहा है, सो अगर पूरी लेंथ 3√2 है तो आधी लेंथ कितनी होगी 1.5√2 होगी, ठीक है ओके। सो मैं क्या करता हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले लेता हूं, सो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लूंगा सो कैपिटल एफ इनटू 1.5√2 आएगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज सेंस ये हमने क्या किया, क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव ले लिया है। So, अगर क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव लेना होगा, यानी कि -30√2g जो कि प्रेशर फोर्स था इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने इधर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि 1.875√2 है, ठीक है। अब जरा देखिए वेट का भी डिस्टेंस लेना होगा, मगर वेट का डिस्टेंस कितना लूंगा 1.5√2 नहीं, जब भी आप फोर्स का डिस्टेंस लेते हैं फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। सो उस हिसाब से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 1.5 ट्रिग्नोमेट्री लगा के। अब वेट भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, इस क्वेश्चन में मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं नेगेटिव लूंगा सो ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, नेट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है दैट इज कैपिटल एफ, आपको वो सॉल्व करना है तो सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाइए, 30√2 × 1.875 + 0.2 × 1.5 g जो है कॉमन है डिवाइडेड बाय 1.5√2, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है इन क्वेश्चंस में, ध्यान क्या रखना है कि जब हम HP लिखते हैं, HP का मतलब होता है सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ वाटर, मगर जब आप मोमेंट लिखते हैं तो फोर्सेस के डिस्टेंस चाहिए कहां से, टॉप सरफेस ऑफ वाटर से नहीं हिंज जॉइंट से चाहिए। दूसरा फोर्सेस इनटू डिस्टेंस मोमेंट होता है, मगर कौन सा डिस्टेंस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और हिंज जॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हिंज जॉइंट पे रिएक्शन फोर्सेस नहीं पूछी गई तो सिग्मा Fx इक्वल टू जीरो, सिग्मा Fy इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मोमेंट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान रखनी होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि अब आपके गेट का जो सर्फेस है वो एक सर्कल है, तो गेट का सर्फेस सर्कल होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखी जाएगी πd^4/64, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट, स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, गेट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब इसको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रोसीजर सेम है, सो इसको भी आप जो है एज होमवर्क ले सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पानी की जो प्रेशर फोर्स है वो गेट के वेट से बैलेंस की जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अलग से स्टॉपिंग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, पानी की जो प्रेशर फोर्स है वो गेट के वेट से बैलेंस होगी, सो इसको भी आप होमवर्क ले लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे और अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं।
सो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. क्या बोलता है, कंसिडर अ क्यूबॉइडल टैंक ऑफ डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर. टू इमिसिबल लिक्विड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 इक्वल अमाउंट ऑफ ईच आर पोर्ड इन द कंटेनर. फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द साइड ऑफ सर्फेसिस ऑफ द कंटेनर एंड द डेप्थ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, वैसे इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, यहाँ लिखना चाहिए था completely filled. The container is completely filled with the two immiscible liquids and equal amount of each are poured in the container. ठीक है? वो बोल रहे हैं, find the hydrostatic force on side surface of the container and depth of corresponding center of pressure. So what we have is, we have a container and the sides of the container are given to us. So it is 20 centimeter by 20 centimeter by 20 centimeter. So, इस तरह से आपको कंटेनर दिखाई देगा और इस कंटेनर को पूरी तरह से दो लिक्विड्स के साथ भरना है. तो दो और इक्वल वॉल्यूम्स भरना है, इसका मतलब वो आधा आधा दिखाई देगा, है ना, ये नीचे लिक्विड आधा और फिर ये ऊपर लिक्विड. सो इन लिक्विड्स की जो हाइट्स आएंगी वो आएंगी 20 सेंटीमीटर का हाफ होता है 10 सेंटीमीटर और उसी तरह जो दूसरा लिक्विड है उसकी हाइट आएगी 10 सेंटीमीटर. नीचे कौन सा लिक्विड होगा, डेफिनेटली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड होगा, यानी S इक्वल टू 1.4, S इक्वल टू 1.4 और ऊपर जो है लो डेंसिटी का लिक्विड होगा, S इक्वल टू 1.2. अब वो बोल रहे हैं कि भैया हमें ये बताओ इस पे प्रेशर फोर्स कितना होगा. ठीक है, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द साइड सरफेस. सो गाइस चेक कीजिए, आई थिंक इसमें दो फोर्सेस लगेगी, एक तो फ्लूइड वन के कारण और दूसरा फ्लूइड टू के कारण, है ना. सो फ्लूइड वन के कारण फोर्स निकालते हैं पहले, सो इसको बोलते हैं एफ वन और फ्लूइड टू के कारण बोलते हैं एफ टू. ठीक है, पहले इसका फोर्स निकालते हैं. अब जरा देखिए, सो ये वाला जो हिस्सा है ये फ्लूइड को एक्सपोज है, ये वाला, है ना. सो ये जो सर्फेस आएगा, ये सर्फेस आएगा 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, है ना. This is the surface which is exposed to the red fluid, that is fluid 1. और best part क्या है कि top surface की जो edge है वो fluid के साथ coincide कर रही है. Top surface की जो edge है वो fluid surface के साथ coincide कर रही है. ठीक है, तो जो इसका सेंट्रॉइड बनेगा वो हाफ पे आएगा, है ना. ये आपको सेंट्रॉइड दिखाई देगा और सेंट्रॉइड की जो डेप्थ बन जाएगी वो बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना. सो जो फोर्स आएगी F1 वो लिखना बहुत आसान है, रो वन जी ए एच वन, और अगर 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किलो न्यूटन, यानी कि एस वन जी ए एच वन. सो इसकी वैल्यू निकालते हैं 1.2 जी into 20 centimeter by 10 centimeter, that is 0.2 into 0.1 into H1, so वो बन जाएगा 0.05. अरे यार ये तो सेंटीमीटर में है, so सेंटीमीटर में तो बेटर था कि थाउ उसी में ही लिख लेते हम, है ना, न्यूटन में ही लिख लेते. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रो जी एच ही लिख देते हैं. तो जब रो जी एच लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1200. देख रहे ना सेंटीमीटर में कितना छोटा बन रहा था, तो मैंने रोजी एच ही लिख दिया ताकि न्यूटन में लिख सके आराम से. सो 1200 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.005. ठीक है, सो 12 जी न्यूटन फोर्स आ गई, 12 जी न्यूटन फोर्स आ गई. ठीक है, ये ऊपर वाला फ्लूइड लगा है. अब देखिए, अब नीचे की फ्लूइड की अगर फोर्स निकालनी हो तो थोड़ा सा ट्रिकी है. और बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे भैया रो जी एच सी लगेगा, जब रो जी ए एच सी लगेगा सो ये आपका फ्लूइड का टॉप सरफेस है और इसका जो सेंट्रॉइड है वो 5 सेंटीमीटर पे आएगा, सो आप फॉर्मूला लगा दीजिए. मगर हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब हमने फॉर्मूला निकाला था रो जी ए एच सी, दरअसल हमने अज्यूम क्या किया था कि फ्लूइड के टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि टॉप सरफेस पे गेज प्रेशर जीरो है. मगर
यहाँ पे जो गेज प्रेशर है वो जीरो नहीं है, यहाँ पे नॉन जीरो गेज प्रेशर है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। सो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम जब हमारे पास एक फ्लूइड में एक सरफेस है, उस सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स निकाल रहे थे वो ये एज्यूम करके निकाल रहे थे कि फ्लूइड के ऊपर गेज प्रेशर जीरो है, मगर इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये हो सकता है कि भैया जैसे इस सरफेस पे कुछ प्रेशर लग रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस फ्लूइड के ऊपर जो फ्लूइड है वो भी सेम है, ठीक है, और उस फ्लूइड की ऐसी हाइट निकालते हैं कि आपको यहाँ का प्रेशर मिल जाए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। करने का तरीका क्या है, पहले तो भूल जाओ कि इसके ऊपर दूसरा फ्लूइड है। दूसरा फ्लूइड क्या कर रहा होगा, दूसरा फ्लूइड कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ना। सो हम क्या चाहते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि भैया इसके ऊपर भी ब्लू फ्लूइड है, और मे बी ब्लू फ्लूइड की हाइट है एच, मे बी ब्लू फ्लूइड की हाइट है एच और यहाँ कुछ नहीं है। अब ये हाइट एच ऐसी होनी चाहिए ताकि यहाँ के प्रेशर को कंपनसेट कर सके। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर फोर्स ले लीजिए और उन फोर्सेस को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डेंसिटी जो है वो 1200 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी, और ये दो पॉइंट्स के लिए डेंसिटी जो है 1400 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी। इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रेशर प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, प्रेशर प्रिज्म का। सो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब भी आपके पास रेक्टेंगुलर सर्फेसिस होते हैं तो आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगुलर सर्फेस पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाइए, ऐसे प्रॉपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो हमारा सरफेस तो ऐसा होगा ना, 2D फिगर होगा सरफेस। तो इस 2D सरफेस पे जब आप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो आपको एक 3D बॉडी मिलेगी, और उस 3D बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रेपीजियम होगा। अब आइए देखते हैं ट्रेपीजियम की वैल्यू क्या आएगी। तो जरा देखिए, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे इस तरीके से एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेपीजियम बनेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, मान लीजिए ये डेप्थ है h1, सो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, ρ1g h1, है ना। फिर ये डेप्थ है h2, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, ρ1g h1 प्लस ρ2g h2, इज दैट करेक्ट, क्लियर। अब क्या करना है, अब प्रेशर फोर्स निकालनी है, तो इस ट्रेपीजियम का वॉल्यूम निकाल दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। प्रेशर फोर्स निकालनी है तो रेक्टेंगुलर सरफेस पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है उसके वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। अब हमें पता है कि एक ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है a + b/2 × h। सो a कितना है, a है आपके पास ρ1g h1, b कितना है, ρ1g h1 + ρ2g h2, a + b/2 × h, h कितना है, h2। ये तो आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ट्रेपीजियम का। और इस ट्रेपीजियम की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 20 सेंटीमीटर ही है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, रोमन कितना आएगा 1200, जी कितना आएगा 9.81, h1 कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना, ρ2 कितना है 1400, g कितना है 9.81 और h2 कितना है 10 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आपने बॉटम सरफेस का प्रेशर प्रिज्म बनाया, उस प्रेशर प्रिज्म की वॉल्यूम निकाली तो आपको f2 मिल गया। टॉप सरफेस का f1 निकाल लिया था, f1 प्लस f2 जो है रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा, ठीक है। सो कंसिडरिंग द टाइम, अभी जो हमारे पास टाइम बचा है आज की क्लास का, अब मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए ही दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैं चाहूंगा आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिए, प्रेशर प्रिज्म का फंडा याद रखिए, सेंटर ऑफ, और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढिए। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे ढूंढ सकते हैं, आपने क्या किया, आपने पूरी फोर्स को, सारी फोर्स को दो फोर्सेस की टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर 1, ये आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर 2, ठीक है। सो आप क्या कीजिए, F1 का मोमेंट प्लस F2 का मोमेंट इज इक्वल टू टोटल फोर्स का मोमेंट, वो वाला कॉन्सेप्ट निकाल लगा के रिजल्टेंट फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए, ठीक है। सो क्या करेंगे, आज की क्लास में तो नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में जो फ्लूइड स्टैटिक्स ओवर हो जाएगा, सो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और आज का यूजफुल टाइम जो है खराब हो जाएगा. बट जस्ट फॉर योर आइडिया आई वॉन्टेड टू यू टू नो दिस कि मैंने पहले भी प्रूव किया है लास्ट क्लास में, रेक्टेंगुलर सरफेस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो, वो वॉल्यूम जो है प्रेशर फोर्स के बराबर होता है. और उस प्रेशर प्रिज्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, रिजल्टेंट फोर्स उससे पास करती है. इसकी हेल्प से आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं. ठीक है,